Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, hi, I'm Angshu. I'm from Assam and I upload videos about beauty, lifestyle, fashion and lots of haul videos. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माई ब्राउन फैम. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अ सेलिब्रिटी ओन ब्रांड एंड दैट इज नन अदर देन हाइफन. सो हाइफन क्रीटी सैलॉन की ब्रांड है और मुझे ब्रांड ने पैसे नहीं दिए हैं, मतलब दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ. ये देखिए, मेरे पास हाइफन की पूरी स्किन केयर रिजीम है और ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स को मैंने ऑलरेडी 15 डेज ट्राई कर लिया है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एकदम डिटेल रिव्यू देने वाली हूँ. फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस हाइफन मॉइस्चराइजिंग क्रीमी क्लेंजर. ये कुछ इस तरीके की एक स्क्वायर शेप बॉटल में आता है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, बहुत एस्थेटिक है ये दिखने में. इसका जो ये नियॉन ग्रीन कलर है उसके लिए ये बहुत फेमस हो गया है अभी इंडियन मार्केट पे. इन लोगों की प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छी है, ओनली फॉर 299 रुपीस फॉर दिस क्रीमी फेस वॉश. ये क्लेंजर स्किन पे बहुत ही जेंटल है, ये एकदम भी इरिटेशन नहीं देता है. अगर आपके ड्राई नॉर्मल स्किन टाइप है ना तो आपको ये बहुत पसंद आने वाले है. पर्सनली आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, तो मैं इस फेस वॉश को एज अ मॉर्निंग फेस वॉश यूज करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग पे आपको हमेशा एक जेंटल फेस वॉश यूज करना चाहिए. द नेम सजेस्ट ये क्रीमी क्लेंजर है, तो इसको यूज करने के बाद एकदम भी फेस पे ड्राइनेस फील नहीं होता है. बट इफ यू हैव ऑयली स्किन तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है. क्लेंजर की आपको अगर इंग्रीडियंट लिस्ट चाहिए तो मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना. दिस क्लेंजर इज अ रियली अफोर्डेबल वन. इसकी जो प्राइस पॉइंट है एंड क्वालिटी के हिसाब से आई एम रेटिंग दिस प्रोडक्ट 8 out of 10. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द हाइफन गोल्डन आर ग्लो सीरम. दिस इज इन्फ्यूज विथ काकाडू प्लम, हाइलुरोनिक एसिड, अल्फा अर्ब्यूटिन एंड नायसिनामाइड. ये 30 ml की जो सीरम है ये कॉस्ट करता है 649 रुपीज. ये सीरम की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम वाटर टाइप की है, एकदम भी ये हैवी नहीं लगता स्किन पे, बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और ये थोड़ा सा ग्लो भी देता है आपके स्किन को, क्योंकि इसमें नायसिनामाइड है जो आप लॉन्ग टाइम यूज करने से आपकी जो डलनेस है उसको भी ये टारगेट करता है. दिस सीरम इज सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. पर्सनली आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन एंड आई एम एंजॉइंग दिस प्रोडक्ट. आई यूज दिस सीरम एट नाइट बिकॉज इसमें नायसिनामाइड और कुछ अल्फा अर्ब्यूटिन जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो मैं नाइट में यूज करना पसंद करती हूँ. बट इफ यू वांट टू यूज इट एज डे टाइम, प्लीज वेयर योर सनस्क्रीन आफ्टर यूजिंग दिस सीरम. मुझे इस सीरम से अभी तक एकदम वाव वाले रिजल्ट्स नहीं मिला है, बट इसमें जो नायसिनामाइड है वो मेरा एकदम फेवरेट इंग्रेडिएंट है स्किन केयर पे, तो मैं इसको अपने और भी लॉन्ग टर्म यूज करूंगी, तो उसके बाद देखूंगी कि मुझे रिजल्ट ये मिलता है या नहीं. बट इसकी क्वालिटी, प्राइस पॉइंट और क्वांटिटी के हिसाब से आई वॉन्ट टू रेट दिस प्रोडक्ट 8 out of 10. नेक्स्ट वी हैव सनस्क्रीन. ओ माई गॉड गाइज, आई लव सनस्क्रीन. आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो, मैं बहुत सारे सनस्क्रीन ट्राई करती हूँ और उसका रिव्यू भी देती हूँ. आई लव टू ट्राई डिफरेंट सनस्क्रीन. आई वॉज रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन. सो दिस इज द हाइफन ऑल आई नीड सनस्क्रीन SPF 50 PA 4+. तो ये 4+ देख के मुझे ऐसा लगा था कि आई हैव टू ट्राई दिस प्रोडक्ट. सो मुझे ये फाइनली मिल गया है और मैंने इसको 2 weeks यूज कर लिया है ऑलरेडी. मुझे ये काफी पसंद आया, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. तो ऑयली हैवी चिपचिपी सनस्क्रीन का जमाना गया गाइज. आजकल इंडियन मार्केट पे अंडर 500 आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सनस्क्रीन मिल जाएगा. अगर आपको एक सनस्क्रीन रिकमेंडेशन वीडियो चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको जल्दी वो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी. लेट्स टॉक अबाउट दिस सनस्क्रीन नाउ. सो ये हाइफन के सनस्क्रीन में आपको मिलेगा काकाडू प्लम, नायसिनामाइड, कोजिक एसिड एंड सेरोमाइड्स. ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन के साथ आता है, प्लस ऑल स्किन टाइप के पीपल इस सनस्क्रीन को यूज कर सकते हैं. इस सनस्क्रीन की फॉर्मुलेशन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, ये स्किन पे एकदम क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये स्किन पे एकदम भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है. तो आप इसको डेली यूज करो, आपको जरूर पसंद आएगा. इसका प्राइस है 449 रुपीज फॉर 50 ml ऑफ प्रोडक्ट. अगर आपको मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन पसंद है तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट अगर आपको ड्राई टाइप ऑफ सनस्क्रीन पसंद है तो ये आपके लिए एकदम नहीं है. बट ये फॉर्मुलेशन काफी अच्छे है, एकदम भी हैवी नहीं लगता स्किन पे, तो इसीलिए आई रेट दिस प्रोडक्ट 8 out of 10. मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो एंड द मोस्ट हाइप प्रोडक्ट ऑफ हाइफन, एंड दिस इज द हाइफन विटामिन इन्फ्यूज पेप्टाइड लिप बाम इन द वेरिएंट पीच. सो ये उन लोगों के पास 3 variants में आता है लिप बाम. मेरे पास ये पीच वाला है, वेनिला और कुछ है जो मुझे अभी याद नहीं, मैं स्क्रीन पे आपको दे दूंगी. ये जो पीच लिप बाम है, दिस स्मेल्स सो गुड लाइक फ्रेश पीचेस. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी जस्ट अप्रिशिएट द पैकेजिंग. दिस पैकेजिंग इज सो स्लीक एंड ब्यूटिफुल. क्योंकि ये स्लीक पैकेजिंग है, इसकी वजह से ये मेरे छोटे छोटे पर्स में भी आ जाते हैं, मेरे जीन्स के पॉकेट में आ जाते हैं. ये हाफ एम्प्टी हो चुका है गाइज, आई यूज दिस सो मच. इसका प्राइस है आई थिंक 349 रुपीज फॉर 10 grams ऑफ प्रोडक्ट. इंटरनेट पे सब लोग हाइफन की इस लिप बाम को रोड की लिप बाम
बाम से कंपेयर करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि दिस इज ड्यूप, बट मैंने रोड के लिप बाम आज तक ट्राई नहीं किया है। दे आर हेला एक्सपेंसिव गाइज, ये सिर्फ 349 का है, रोड वाला 2500 रुपए का आता है, जो अभी मेरे पास नहीं है। इन फ्यूचर अगर मुझे चांस मिले तो मैं रोड वाला भी ट्राई करूंगी, वो टिंट वेरियंट में आता है। दिस इज समर सीजन तो मेरे जो लिप्स है ना वो इतना ज्यादा ड्राई नहीं है, विंटर्स में मेरा लिप्स एकदम फट जाता है गाइज। तो मैं अभी आपको ये नहीं बता सकती कि ये जो लिप बाम है ये ड्राई क्रैक लिप्स को हील करता है या नहीं, बट इफ यू वॉन्ट अ नॉर्मल लिप बाम तो आप इसको जरूर ट्राई करना। अगर आप ये बाय वन गेट वन पे आप ले लेते हो तो यू विल नेवर रिग्रेट गाइज, ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसका एप्लीकेटर बहुत ही यूनिक है, आप जब इसको यूज करोगे ना तो आपको एकदम बहुत लक्स वाली फील आएगी। सो ये लिप बाम को मैं रेट करूंगी 9/10। सो या दैट्स इट, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने हाइफिन के प्रोडक्ट यूज किया है या नहीं और आपको कौन से प्रोडक्ट पसंद है। और अगर आपको प्रोडक्ट की लिंक चाहिए बाय करने के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।